अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये जैपनीज़ नूडल्स। मुझे नूडल्स पर्सनली बहुत पसंद हैं और मैं हर तरह के नूडल्स को ट्राई करती हूँ। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों ने ट्राई किए में होंगे। ये बेसिकली जैपनीज़ नूडल्स हैं और इनके बारे में मशहूर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो जिनको स्पाइसी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है वो इसको ज़रूर ट्राई करें और जो ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते वो इसको ट्राई ना करें। तो मैंने सोचा आज मैं इसको ट्राई करती हूँ और मैं इसको फर्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है बेसिकली कि आप एक पैन के अंदर पानी लें, उसको आप बॉयल करें। जब उसमें बॉयल आ जाए तो इसके अंदर जो नूडल्स का पैनकेक होता है उसको आप ऐड करें और उसको 5 से 7 मिनट तक आप बॉयल करें। उसके बाद जो एक्सेस वाटर होगा वो हम थ्रो कर देंगे और उसके अंदर हमें सिर्फ थोड़ा सा तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून के करीब पानी छोड़ना है। इसके अंदर एक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक इसके अंदर जो है सॉस होती है इसकी और एक इसके अंदर जैसे नॉर्मल नूडल्स का हम मसाले का पैकेट होता है वो इसके अंदर होता है। दोनों चीज़ों को फिर ऐड करेंगे, 5 मिनट तक कुक करेंगे और फिर ये रेडी होते हैं सुपर स्पाइसी नूडल्स। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब हम इसको कट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। ये देखिए इस तरीके के नूडल्स का एक, अच्छा ये मोटे नूडल्स हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हम मैगी वगैरह बनाते हैं उससे डिफरेंट है, इसका पैनकेक थोड़ा मोटा है और इसके अंदर जो है ये देखिए जी इसकी ये सॉस है इस तरीके की एंड इसके अंदर से हमें निकलेगा ये इसका मसाला, ठीक है जी। तो ये इसकी चीज़ें हैं, आइए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पे एक पॉट लिया है जिसका हमने फ्लेम मीडियम ऑन कर दिया था और अब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास पानी डाला था, 2 से 2.5 ग्लास पानी, ठीक है। और इसको हमने बॉयल होने रखा था। अब इसके अंदर बॉयल आ चुका है। बॉयल आ जाने के बाद हमारा ये जो रेमन नूडल्स का पैनकेक था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो थोड़े ब्रोकन नूडल्स होते हैं उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको सॉफ्ट होने से देखिए, अब ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट होने देंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए ये डिज़ायर्ड सॉफ्टनेस इसमें जो है वो आ गई है, ठीक है। जितना सॉफ्टनेस हम लोग पसंद करते हैं ना नूडल्स के अंदर वो चीज़ इसके अंदर आ गई है। अब इसका जितना भी पानी है वो मैं थ्रो करूँगी, ठीक है। पानी फेंकने के बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ 8 टेबल स्पून, जिसके कवर के ऊपर लिखा था कि 8 टेबल स्पून पानी हमें इसके अंदर छोड़ना है। उसके बाद जो ये 2 चीज़ें हैं इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन सारा पानी इसका जो है वो ड्रेन कर दिया है और सिर्फ ये 7 से 8 टेबल स्पून के करीब ही पानी हमने इसके अंदर छोड़ा है जो इसकी सॉस बनाएगा, ठीक है। इतना पानी इसके अंदर बस इतना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये हमने कट करें और अब हम इसकी सॉस को इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखिए जी, अब हमने इसकी सॉस जो थी ये सुपर स्पाइसी सॉस ये कम्प्लीटली इसके अंदर जो है हमने ऐड कर दी है। सॉस हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है। अब बारी है इसके मसाले, ये जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा मसाले इसमें बहुत थोड़ा सा ही है, ठीक। इसको हम इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर कुछ फ्लेक्स हैं किसी चीज़ के और सेसमी सीड्स हैं जो वाइट तिल होते हैं ना वो हैं इसके अंदर। अब इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और ये जी मिक्स कर दिया है जी फ्रेंड्स। ये देखें अब हमने इसके अंदर इसकी सॉस प्लस इसका जो मसाला था वो ऐड कर दिया। अब इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हम सिमर होने रखेंगे। सिर्फ इसको 5 मिनट हमने जो है इसके साथ पकने देना, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ इतनी सॉस छोड़ी है, ठीक है, बाकी ये रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। फ्लेम करेंगे ऑफ और जी इसको हम करेंगे बस। किसी को अगर ज़्यादा सॉसी पसंद है तो वो इसके अंदर मज़ीद पानी छोड़ सकते हैं, बट मुझे जो है ये देखें ये इतनी सॉसी मुझे अच्छा लगता था तो मैंने इसको इतना छोड़ा, ठीक। हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारे सुपर स्पाइसी जैपनीज़ रेमन नूडल्स रेडी हैं। ये इसकी फाइनल लुक है
और इसका जो सॉस थी उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनते हैं। अच्छा, कॉस्ट का इसका बता दूँ, ये मैंने 350 रुपीज़ के लिए थे, ठीक है। ये मार्केट में आपको जो है 350 से 700 तक के बीच में मिलते हैं, डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल नूडल्स से इसकी कॉस्ट हाई होती है, लेकिन इसके अंदर जो है फिर चीज़ें भी इसके हिसाब से होती हैं, मतलब सॉस भी इसकी होती है रेडीमेड और मसाला भी होता है, ठीक। तो मैंने इसको ट्राई करा है, बहुत मज़े के बनते हैं लेकिन बहुत स्पाइसी होते हैं। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।